सो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम चल रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और हमारे गांव में सुबह से बारिश हो रही है, अभी तक रुकी नहीं हुई है। तो थोड़ा सा रुका हुआ है, तो इसकी वजह से हम बाहर निकल पाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वीडियो बनाने चले आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कितना नुकसान हुआ है। तो यहाँ से आप सीधे देखेंगे, ये डामर का कार्य हुआ है जो कि कंप्लीट हो चुका है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर लोकल लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, आ जा सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन दोस्तों, जिस साइड से हम चढ़े वहाँ भी दिक्कत हुआ था, वहाँ डामर का कार्य नहीं हुआ था। तो वहाँ पर बारिश हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ बाएँ साइड देखेंगे तो मिट्टी जो है बह गई है और यहाँ पर धंस गई है। और देख सकते हैं इसके लेवल में सारा मिट्टी जो है धंस गई है और बह गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि पहले जो है यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो डामर का कार्य हो रहा था नीचे की तरफ और पुल का कार्य हो रहा था, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का हो रहा था। यहाँ पर लाइव देख सकते हैं, तो यहाँ पर अभी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये आप लोग को हम दिखा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नीचे की तरफ, जो कि डामर का कार्य कम्प्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आप लोग को लाइव दिखाई पड़ेगा, यहाँ से पुल तक जो है सारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पानी के बहाव के कारण वो पूरा एकदम मिट्टी जो है बैठ गया है नीचे की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुल है, ये इस तरीके का कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो है जो पुल तैयार किए हैं, ये लोग यहीं पर रहते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बोर्ड भी लगा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अगले वाले वीडियो में देखेंगे तो आप लोग को दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब बारिश हुआ नहीं था तब इस तरीके का आप लोग को दिखाई पड़ रहा था। देख सकते हैं अभी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे काज चल रहा है, तो यहाँ पर बारिश नहीं हुआ था तो उसके पहले का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। लेकिन दोस्तों, बारिश की वजह से जो है मिट्टी का बहाव और जो है मिट्टी धंस गई है अंदर, और सामने देख सकते हैं काम भी चल रहा है परमानेंट, और यहाँ पर गाड़ी भी परमानेंट चल रहा है।